अहंकार जन प्रतिरोध जिंदाबाद। सभी को आज का ये अधिवेशन जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा है, सभी जन आंदोलनों को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि मुझे लगता है कि हम में से किसी से ये बात नहीं छुपी है कि आज कितना ज़रूरी है सारे आंदोलनों को, सभी जो प्रोग्रेसिव वॉइसेस हैं उनको इकट्ठे आने की कितनी ज़रूरत है, आज शायद इस देश में कभी नहीं रही है। मैं जो प्रस्ताव है जो रखे गए हैं जो सर्कुलेट भी हुए हैं इन सभी से सहमति व्यक्त करती हूँ। इनमें कुछ मुझे लगा कि सुझाव भी मैं रखना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये है कि हम सभी ये बात कर रहे हैं और हम ये सब जानते हैं कि जो भी आवाज़ उठाई जा रही है आज वो समानता के लिए आवाज़ हो, जस्टिस के लिए आवाज़ हो, लोगों की जो अधिकार है उन पे हनन के खिलाफ आवाज़ हो, सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज़ हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ हो, उन सभी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जिसकी हम बात करते हैं उसके ऊपर एक पूरी तरह से पुशबैक है। तीसरा यहाँ बैठी हैं मेधा, एनबीए के सभी साथी जो हैं संघर्ष कर रहे हैं नर्मदा वैली में, जहाँ पर भी गौरी लंकेश जैसे लोग हैं, इन सभी लोगों का प्रताड़न हो रहा है, इनके खिलाफ तरह तरह की सरकार चीजें कर रही है, की हत्या कर रही है सरकार। तो ऐसे में जो सवाल पूछ रहा है और जो जवाब मांगने की प्रक्रिया है वो बहुत जरूरी है, और जो लोकतंत्र है, अगर हम अपने आप को लोकतंत्र बनाए रखना चाहते हैं तो जो भी सवाल पूछने के जवाब मांगने के तरीके हैं मुझे लगता है कि उनके ऊपर गौर करके और उन्हें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। सूचना का अधिकार कानून जो है जो 2005 में लागू हुआ उसका लोग पूरे देश में, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो गरीब हो, हाशिए पे रहने वाले लोग हो, वो हर रोज अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूचना मांग रहे हैं सरकार से, सरकार को जवाब देने पे मजबूर कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि इन सभी लोगों पे सरकार जो है अलग अलग तरीके से प्रहार कर रही है, सूचना के अधिकार कानून पर भी प्रहार हो रहा है। जो किरण रिजिजू है, होम मिनिस्टर है, एमओएस होम है, उन्होंने खुद कहा जब 8 लोगों की हत्या की गई गैर कानूनी तरीके से, एनकाउंटर किलिंग की गई मध्य प्रदेश में, और लोगों ने सवाल पूछे तो उन्होंने कहा इस देश में सबसे बुरी बात है कि लोग सवाल पूछते हैं, ये कल्चर गलत देश में शुरू हो गया है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो सरकार जो है वो किसी तरह से अपना पक्ष छुपा नहीं रही, वो सूचना के अधिकार को लोगों से दूर करना चाहती है, लेना चाहती है लोगों से इस अधिकार को, नियम बनाने की कोशिश चल रही है जिससे कि इस अधिकार को खराब करा जाए, तोड़ा फोड़ा जाए। तो मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि सूचना के अधिकार कानून से छेड़छाड़ ना करी जाए और उसे और भी दुरुस्त बनाया जाए, ये एक अगर हम प्रस्तावों में इंक्लूड करें तो। दूसरी चीज ये है कि सरकार हमारी जो है वो कहती रही कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, बहुत जुमले सुने हमने जब चुनाव हुए उससे पहले, बहुत जुमलेबाजी हुई, भ्रष्टाचार खत्म करा जाएगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, काला धन विदेश से ले आऊंगा। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ ये हम सब जानते हैं, कहाँ खत्म हो रहा है भ्रष्टाचार। आज व्यापम स्कैम को आप देख लीजिए, सहारा बिरला स्कैम को आप देख लीजिए, पनामा पेपर्स पे जो नाम है वो आए हैं, क्या सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। बल्कि जिसको हम शुरू से जानते हैं गुजरात मॉडल के नाम पे, वो आज केंद्र सरकार हमारे साथ कर रही है। जितने भी संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार के विरोधी संस्थाएं हैं उन सबको एक एक करके खंडित किया जा रहा है। वहां पे जिस तरीके की नियुक्तियां हो रही हैं, अपने ही लोग सरकार भर रही है सब जगह पे, और इन सभी संस्थाओं को सरकार एक एक करके कमजोर बनाती जा रही है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीवीसी हो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, चाहे सीएजी हो, और लोकपाल की तो पूछिए ही मत। चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को लोकपाल जल्दी से जल्दी लाने के अलावा और कोई मंशा ही नहीं,
पर आज चार साल बीत गए सरकार को आए हुए ऑलमोस्ट और एक भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई. क्यों नहीं हुई ये सवाल पूछा जाना चाहिए. और मुझे लगता है कि हमारे सुझावों में जरूरी है कि हम डालें कि जो भी संस्थाएं हैं इंस्टीट्यूशंस हैं जो जवाबदेही के इंस्टीट्यूशंस हैं लोगों को सशक्त करने के इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें वीकन ना किया जाए. उनमें नियुक्तियां हो दुरुस्त तरीके से नियुक्ति हो. ये नहीं कि जिसको आप चाहे वहां बिठाएं और वो फिर हम सबके ऊपर अपना शासन लागू करें. जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं उन्हें देखने के लिए जो सांप्रदायिकता की शिकायतें आती हैं उन्हें सुनने के लिए चाहे NHRC हो सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां होनी चाहिए सही तरीके से नियुक्तियां होनी चाहिए. ये मेरा सुझाव है. तीसरी चीज जन्मदिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मना रहे हैं अपना अलग अलग तरीके से. जहां पे भी चुनाव हो रहे हैं पूरे पूरे पन्ने के कैसे BJP एडवर्टिजमेंट दे रही है पैसे कहां से आ रहे हैं ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों. क्योंकि जब तक हम इस सवाल पे गौर नहीं करेंगे कि जो पार्टी है पार्टियां हैं हमारे देश में और जो अभी मौजूदा सरकार बनाई है जिस पार्टी ने उसकी फंडिंग कहां से आ रही है उसके बगैर हम कभी भी अपनी लड़ाई इनके खिलाफ और उनकी विचारधारा के खिलाफ सही से नहीं कर पाएंगे. पूंजीपति कैसे पैसे दे रहे हैं किस तरीके से फिर उन्हीं की बात सरकार आगे रख रही है और जो लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं उनकी एक भी बात नहीं मानी जाती. ये कहीं पे बहुत बुनियादी तरीके से जुड़ा है फंडिंग के सवाल से. और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता लाएंगे. आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया बल्कि इस सरकार ने कोशिश की है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए जिसके जरिए से हमें कभी मालूम नहीं होगा कि किसने कहां पैसे दिए किस पूंजीपति ने BJP को कितने पैसे दिए हम कभी जान नहीं पाएंगे यदि ये साजिश उनकी कामयाब हो गई तो. तो मुझे लगता है कि सुझावों में हमें पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग के लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए एक जरूर प्रावधान डालने की जरूरत है. जो भी भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर प्रहार हो रहा है. जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून था उसको लागू करना था चार साल पहले वो पारित हुआ था पार्लियामेंट से पारित हुआ आज तक उसको लागू नहीं करा इस सरकार ने. शर्म नहीं आती सरकार को कि व्यापम में 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं RTI के यूजर्स मारे गए हैं लेकिन सरकार जो है वो इस कानून को लागू नहीं कर रही. तो ये सवाल हमें उठाना चाहिए और प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि सरकार तुरंत विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून लोकपाल कानून को लागू करे. और फाइनली जो सरकार है वो खुद